सो हे गाइस, दिस इज आदित्य राजगुप्ता एंड मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे डे थ्री यानी लास्ट डे ऑफ 3 डे वीएस कोड चैलेंज में। और पिछली 2 वीडियोज से हमने वीएस कोड के बारे में सारी चीज़ें जान ली है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं सारे कोड एसेंशियल्स के बारे में बताऊंगा आपको, और मैंने जो एक मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है उनमें से एक प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, और उसके बारे में भी हम जानेंगे कि उसका जावास्क्रिप्ट पार्ट कैसे वर्क करता है। तो बिना देरी करे मैं शुरू करता हूँ और अपने वीएस कोड वाले पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक करा था और हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ओपन फाइल से मैं अपना वो ओपन कर लूँगा प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखाने वाला था। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा था ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये वीएस कोड मतलब ये एचटीएमएल वाला पेज ओपन हो चुका है। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया था कि मैंने इसमें जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है ना मेरा, इसी में मतलब हमने जावास्क्रिप्ट के भी दो ऑप्शन देखे थे हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके कर सकते हैं या तो हम सीधा एचटीएमएल वाले पार्ट में भी जावास्क्रिप्ट अपना घुसेड़ सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट मैंने इसी में लिखा था, कोई नहीं कोई बात नहीं। और जो मेरे यहाँ पे जो स्टाइल वाला सीएसएस वाला पार्ट था तो मैंने यहाँ पे उसकी कोडिंग करी थी। तो इसका जो सोर्स कोड है ना वो मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट आपके सामने अभी तक लाया नहीं, ये मैंने खुद डेवलप करा था प्रोजेक्ट और ये मेरे ऑसम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है। अभी मैं इसको आपको ब्राउजर पर जाकर दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। उससे पहले जान लेते हैं कि हम ये कैसे दिख रहा है। जैसे कमांड बी में मैंने आपको पिछली बार प्रोजेक्ट नहीं दिखाया था, यह मैं सिंपल जो ले रखा था वही दिखाया था। तो कमांड बी में आप देख सकते हैं हमारे 2 इंडेक्स के पेज है, ये हॉच पॉच नहीं हो रहा है बिल्कुल, सेपरेट इनको बता रखा है यहाँ पे कि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। फिर हमने यहाँ पे आप होवर करेंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ से हमने उठाया है इसको, फिर इस वाले इंडेक्स को हमने यहाँ से उठाया, तो ये बिल्कुल ऐसे काम करता है। नहीं तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा स्प्लिट वर्जन। तो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में जाते हैं हम। एच टी एम एल वाला पार्ट ये है और जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट में जाऊँगा मैं यहाँ पे। और जैसे कि ये मेरा प्ले साउंड है ना, प्ले साउंड, और मैंने इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है प्ले साउंड को। बट अगर मैं यहाँ पे जाके इसमें प्ले साउंड में जाऊँगा और यहाँ पे हमें प्ले साउंड पे जाके राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो कि मैं कोड के साथ खेलेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रन कोड। रन का तो ठीक है, रन तो हो ही जाएगा क्योंकि मैंने ये बना ही रखा है। फिर गो टू डेफिनेशन, गो टू डेफिनेशन मतलब ये होता है कि मतलब हमने थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिख रखा है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे लाइन का कोड लिख ही रखा है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स नहीं कह सकते, बट यहाँ पे बहुत सारे लाइन का जावास्क्रिप्ट में कम कोड है, एचटीएमएल में ज़्यादा है। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे कि प्लेग्राउंड सेक्शन मैंने ऊपर अपने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, मैंने प्लेग्राउंड सेक्शन अपने ऊपर डिफाइन कर रखा है ये क्या होता है, क्योंकि फंक्शन प्ले साउंड, अच्छा प्लेग्राउंड नहीं प्ले साउंड, तो फंक्शन प्ले साउंड सब इस सब हो रखा है। तो कैसे काम कर रहा है कि मतलब अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे प्ले साउंड में और हम यहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम जाएंगे गो टू डेफिनेशन। तो गो टू डेफिनेशन में जाएंगे ना, तो ये हमें सीधा वहाँ पे ले आएगा जहाँ पे हमने इसको डिफाइन करा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको दिखा क्यों रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको। यार कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि हम कोड के साथ खेलेंगे कैसे क्या काम करता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट तो बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी चीज़ को समझिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्ले साउंड सेक्शन मैंने यहाँ पे आपको गो टू डेफिनेशन करा, गो टू डेफिनेशन करा और आपको ये यहाँ पे पॉइंटेड करता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिखते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हॉच पॉच होने लग जाती है, कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं रहता कि हमने प्ले साउंड कहाँ डिफाइन करा था। तो जब भी हम यहाँ पे इसको प्लेस गो टू डेफिनेशन करते हैं ना राइट क्लिक करके, तो हमें सीधे वहाँ पे ले आएगा और ये बहुत ईजी हो जाता है डेवलपर्स के लिए, कोडर के लिए, कि वो अपना टाइम बचा सके इस चीज़ में। तो ये बहुत एसेंशियल थिंग है। और फिर हम यहाँ पे सेम चीज़ प्ले साउंड में जाएंगे यहाँ पे और हम करेंगे गो टू रेफरेंसेस, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल मतलब शिफ्ट और प्लस F12। तो गो टू रेफरेंसेस में जाते ही आपका ये वाला कुछ सेक्शन खुल जाता है। अब ये वाले सेक्शन में ध्यान देने की जरूरत ये है कि प्ले साउंड आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, और जैसे कि हमने जावास्क्रिप्ट अगले पेज में नहीं लिखा, तो इसके लिए ये होता है कि मतलब इस वर्जन में लाके हम थोड़ा चीज़ों को अलग कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें कर रखी है। तो ये जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट खुलेगा मेरे यहाँ पे, और तो ये पार्ट खुल गया मेरा और यहाँ पे भी आके हम देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आके अगर मैं इसको देखूँ तो प्ले साउंड मैंने कर रखा है ना, ये प्ले साउंड मेरा सिलेक्टेड है कि ऊपर नहीं है, तो आपने देखा कि प्ले साउंड मेरे यहाँ पे भी सिलेक्टेड है। तो ये ऐसे पता चल जाता है हमें कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती है। अब मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था। तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउजर पर आ चुका हूँ और आपको लग रहा होगा कि क्या प्रोजेक्ट है ये। तो प्रोजेक्ट ये है कि बैकग्राउंड मैंने एक दे रखा है इसको, जबकि बहुत सारी जनता बैठी है और यहाँ पर एक पियानो सेशन चल रहा है। तो पियानो सेशन तो ये है कि कुछ ASDFGHJKL जो भी ये सारे कीज़ हैं मेरे,
और उनको प्रेस करने के बाद कुछ अमेजिंग साउंड्स निकलती है जो कि एक पियानो की तरह काम करता है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने खुद से डेवलप करा था, और कुछ मतलब साउंड्स वाउंड्स की मतलब कैसे क्या काम करता है, तो उस चीज़ में मैंने इंटरनेट की हेल्प ली थी। ऐसा नहीं है कि खुद ही डेवलप करा था, मतलब कुछ चीज़ें तो हमें इंटरनेट से ज़रूरी मतलब कोडर्स डेवलपर्स होते हैं उन्हें लेनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने सीख ली तो हम कुछ भी डेवलप कर सके, ऐसा होता तो हम क्या क्या डेवलप कर चुके थे इंडिया में तो पता नहीं क्या क्या। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा, ए यहाँ पे ए प्रेस कर, आपको साउंड आई कि नहीं आई? एक मिनट मैं अपना माइक यहाँ से खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ साउंड आएगी यहाँ पे आपको। जैसे कि मैंने ए प्रेस करा, मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, बट अब यहाँ पे मैं करता हूँ अपना ए प्रेस, तो अपने साउंड सुनना है यहाँ पे। ए पे क्लैप साउंड, फिर एस पे हाई हैट की साउंड, फिर डी पे किक, फिर एफ पे ओपन हार्ट, बी पे बूम, बी नहीं बी पे बूम, बी प्रेस नहीं, अच्छा जी है सॉरी, जी पे बूम, फिर एच पे राइड, एच पे राइड, फिर जे पे स्नेर, फिर टी पे नहीं के पे टॉम, फिर एल पे टिंक, एल पे टिंक। तो आपने देखा कि कैसे काम कर रहा है। अब मैं माइक को थोड़ा और पास ले जाता हूँ और इन सबको दोबारा करता हूँ। ए एस डी एफ जी एच जे के एल प्रेस करेंगे और नाइस साउंडिंग निकलेगी यहाँ पे, आप देखना पियानो की तरह बिल्कुल। तो आपने देखा कि मैं पियानो के साउंड में कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बजा पा रहा हूँ, जो कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। हम कैसे भी कुछ भी दबा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें सीक्वेंस में दबाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एच दबा रहा हूँ, जी दबा रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट इतने अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे बिल्कुल। और मैं इसको वापस अपना लगा लेता हूँ माइक को, तो यहाँ पे मेरा माइक वापस अपने टी शर्ट पे आके इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे माइक सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है मैंने, और वापस अपने वीएस कोड वाले पेज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये है और स्टाइल वाला ये चीज़ है। सोर्स कोड मतलब इतनी जल्दी भी नहीं है कि मैं आपको इसको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये तो चीज़ होगी कि हम कोड के साथ कैसे खेलते हैं इंटरनली वीएस कोड में। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंशन सेक्शन में दोबारा जाता हूँ, एक्सटेंशन सेक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम और सारी फाइल्स पर कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे कि पाइथन। पाइथन मैंने यहाँ पर लिखा, तो पाइथन लिखते ही शायद इंटरनेट भी थोड़ी लो है, तो पाइथन आ गए यहाँ पे, इंटेलिजेंस का पाइथन आया है। अगर आपको पाइथन पे काम करना है तो जरूरी नहीं कि आप पाइथन सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करें, बशर्ते कि आपके पास वीएस कोड पहले से इंस्टॉल है। तो आपके पास वीएस कोड अगर इंस्टॉल्ड है, तो मैंने तो पहले से ही बहुत सारे चीज़ों पर काम कर रखा है, तो मैंने इसको मतलब इंस्टॉल कर रखा है। तो आप इसको इंस्टॉल करिए यहाँ पे जाके, अगर आप पाइथन पे काम करना चाहते हैं। अगर जैसे कि बहुत जब हम जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं ना, उसके बाद हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं, फिर हमें कुछ एसेंशियल फास्ट कोडिंग के लिए टाइम कम बचाना है, मतलब टाइम बचाना है और स्पेस भी बचानी है, मतलब बहुत एफिशिएंट कोडिंग के लिए, प्रोफेशनल कोडर बनने के लिए कुछ हमें लाइब्रेरी सीखनी पड़ती है, जो कि जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, ये सारी चीज़ें बूम पे चल रही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रिएक्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको रिएक्ट मतलब जो हमारा है ES7 का रिएक्ट नेटिव है, उसका एक्सटेंशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, वहाँ पे जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रिएक्ट पे ऑलरेडी काम करता रहता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आप इसको जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप एंगुलर पे काम करना चाहते हैं, बहुत सारी फाइल्स भी देख सकते हैं हम क्या क्या फाइल्स होती है, जरूरी नहीं है कि एक फाइल्स दे रखी होगी एक एक्सटेंशन के लिए। तो अगर मैं जाके एंगुलर और यहाँ पे एसेंशियल्स लिख दूँ एंगुलर की क्या क्या फाइल्स होती है, तो यहाँ पे सारी एंगुलर की फाइल्स आ जाएगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंगुलर एसेंशियल्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे इसमें, एक मिनट ये खुल रहा है। तो आपने देख सकते हैं कि हम ये चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये डिबगर फॉर क्रोम है, फिर ESLint है यहाँ पे, फिर है NPM है, ये सारी चीज़ें हम इंस्टॉल करनी पड़ती हैं एंगुलर पे काम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये क्रोम मतलब वी एस कोड का एक्सटेंशन है ना, ये ऐसे काम करता है। अब यहाँ रहा पे, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि ये सारे शॉर्टकट जो मैं जानता हूँ इतने सारे, वो सारे मैं उठाता कहाँ से हूँ, मतलब जाना कैसे, क्या नेट पे सर्च मारना पड़ता है? नहीं यार, वीएस कोड में अपने आप ही शॉर्टकट का सेक्शन दे रखा है। तो कमांड पैलेट में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कमांड पैलेट से आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो हम सीधा वहीं पर जाएंगे, कमांड पैलेट, और उसका शॉर्टकट क्या था? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट को हमें ओपन करने, तो इस वाले सेक्शन पे जाओ, आपको ध्यान से देख लीजिए, इस वाले सेक्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लिख रखेगा कि यहाँ पे एक शॉर्टकट है बहुत सारे। अब जैसे कि मेरे को टर्मिनल ओपन करना है, तो टर्मिनल के लिए मैं यहाँ पे सीधा टर्मिनल सर्च मारता हूँ, टर्मिनल, टर्मिनल आ गया यहाँ पे,
एक मिनट। हाँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको अगर न्यू टर्मिनल क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका वहाँ पर न्यू टर्मिनल खुल जाएगा। तो बहुत सारे रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। मेरे को पता है कि आपको सर्च मतलब ऐसे तो ढूंढेंगे नहीं, आप तो सर्च तो करना ही है, तो ये वाली चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई। अगर हमें इमोजी करनी है इंस्टॉल, इमोजी हमें डालना है, कैसे हम डाल सकते हैं बिना इंस्टॉल करे, कीबोर्ड से डालनी है इमोजी, तो वहाँ पर हम इमोजी जाएंगे, इमोजी सेंस का आपको वहाँ पर रेफरेंस देगा वो, तो इमोजी सेंस का दे रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई जब हम दबाएंगे ना, तो वहाँ पे हमारे पास इमोजीज आ जाएगी। तो देखते हैं इसको करके एक बार, हम इस वाले सेक्शन में देखेंगे, हमारे डेमो वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई, तो कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया तो देखा यार कितने औसम तरीके से इमोजी यहाँ पे है। हम कौन सी इमोजी आते हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं बहुत सारी इमोजी है। हम ये इमोजी यूज़ करते हैं किसिंग वाली, किसिंग हॉट, नाइस इमोजी। फिर यहाँ पे आ गया ये किसिंग हॉट इमोजी। अब ये वाली चीज़ें आप हटा सकते हैं यहाँ पे। और इमोजी लाने का एक और शॉर्टकट होता है, वो मुझे पता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कोलन प्लेस करता हूँ, सेमी कोलन नहीं करना हमें, ये वाला कोलन प्लेस करते ही यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इमोजी के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि हम थम्सअप डालना है तो थम्सअप इमोजी आ चुकी है। तो इमोजी का ये भी एक शॉर्टकट है जो कि मैंने आपको बता दिया है बिना किसी प्रोजेक्ट के। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे वापस चलते हैं। तो अगर मैं इस वाले टैब पे आके यहाँ पे इस पे वो करूँ, स्क्रॉल करूँ, तो आप देख सकते हैं कि कट के लिए हमारे लिए ये यूज़ होता है, फिर डिबग, कंटिन्यू, डिस्कनेक्ट, फिर हम और नीचे जाते हैं, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं यार यहाँ पे। इतने शॉर्टकट तो मुझे भी याद नहीं है, बट अगर आपको कोई शॉर्टकट सर्च मारना है तो आप सर्च करके वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे फाइल ओपन के लिए कंट्रोल ओ है, तो रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, जैसे कि आप VS कोड से हम जाते हैं, जानना चाहते हैं कि ये फाइल कहाँ पे है हमारे फाइल एक्सप्लोरर में, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल नहीं मतलब शिफ्ट ऑल्ट और आर प्रेस करके आप जान सकते हैं। फिर सेव करना है वर्क स्पेस में, सेव करना है सेव एज मतलब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं आप सब देख सकते हैं। फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के लिए भी एक यहाँ पे दे रखा है, मतलब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो इसलिए यूज़ होता है कि जैसे ये हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो हमें लग रहा है कि हमने सही से नहीं लिखा है फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मेट कर देता है उस चीज़ को। तो जनरेटेड लिंक रिपोर्ट सब चीज़ का यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, तो इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो खुद आके आप यहाँ पे बिल्कुल इसको एक्सप्लोर कीजिए। तो जैसा कि अगर मैं एक और बता देता हूँ आपको, फॉर्मेट वाले यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं जाकर सीधा फॉर्मेट लिखता हूँ, तो फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सब आपको दिखा दे, फॉर्मेट से रिलेटेड क्या क्या आपके पास चीज़ है तो आपको वो सब दिखा देगा। तो इस वाले टैब को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ सिंपली। और VS कोड के बारे में अब जो चैलेंज था हमारा वो पूरा हो चुका है। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने नहीं बताई है, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली है, अगर आप फिर भी लगता है कि मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, नहीं तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करके उसका सोल्यूशन बता दूंगा। तो जाने से पहले मैं ये बता दूं कि ये सारी जानकारी मैं आपको न्यूटन स्कूल के द्वारा ही प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, और न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर करियर इन टेक। इट नॉट ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स, बट इट ऑल्सो प्रिपेयर्स वुमेन, दोज हु डू नॉट हैव एनी टेक बैकग्राउंड इन कोडिंग। एंड न्यूटन स्कूल की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके पे अंडर प्लेसमेंट स्कीम के तहत यू डू नॉट हैव टू पे इवन ए सिंगल पेनी जब तक कि आपका पैकेज 5 लाख सिटीज ऊपर नहीं लग जाता। न्यूटन स्कूल आपको पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, फिर आपको 6 मंथ्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स देता है। इट हैज़ टाई अप मोर देन 300 कंपनीज लाइक गूगल, टॉप कंपनी, ज़ियोमी, बायजूस, थ्रू आउट वर्कर्स एंड ऑल देयर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूटन स्कूल ने लर्निंग पर्पज़ के लिए अपने एक लॉन्च पैड भी निकाल रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए आप और उसको एक्सेस कर लीजिए। अगर आपको मतलब वहाँ पे ऑनलाइन आईडी पे काम करना है तो लॉन्च पैड पे आप जाके वहाँ पे प्लेग्राउंड में जाके आप देख सकते हैं। फिर आपका जब वहाँ पे ट्रैक्स ऑप्शन आएगा ना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्री में सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि वुमेन के लिए वहाँ पे कोर्सेज होंगे। फिर अगर आप कॉन्टेस्ट सेक्शन में जाएंगे ना, वहाँ पे तो आपको दिखेगा कि आपने न्यूटन स्कूल को कौन से कॉन्टेस्ट दे रखे हैं और अपकमिंग कॉन्टेस्ट कौन से हैं, क्या क्या स्कोर है। न्यूटन स्कूल के बहुत सारे अपकमिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, उसके प्राइज एंड गुडीज तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो न्यूटन स्कूल का भी जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरी सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने ऑसम वीडियोज़ भी बना रखी है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स पर बना रखी है मैंने वीडियो, मैंने बना रखी है कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना चाहिए हमें, या फिर हमारे लिए क्या बेस्ट है, वेब डेवलपमेंट बेस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ माई फील्ड। कि मैं अगर वेब डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ तो मैंने ये नहीं बताया कि फोर्स क्या है वहाँ पे, कि वेब डेवलपमेंट में जाइए आप। तो बहुत सारे फैक्टर्स उठाए हैं मैंने यहाँ पे कि हम किस किस फैक्टर्स के अनुसार हम क्या क्या मतलब क्या चूज़ करें, वेब डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं ना यार, तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। और जिन्हें ज़रूरत है इन वीडियो की, मतलब जो बंदा अपना कोडिंग में बैकग्राउंड बनाना चाहता है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो ये जो हमारा VS कोड का जो 3 डे चैलेंज था, मैंने अपना चैलेंज बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है अपनी ओर से,
और आपके ओर से अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोल देना, मैं जवाब दे दूंगा वहां पे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, कोड करते रहो, पढ़ते रहो, बाय।